हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ UP SSC पेट का कंप्लीट सिलेबस, और ये पूरी PDF है। PDF भी आपको मिल जाएगा सरकारी रिजल्ट पे, और इसमें भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए, पेट में टॉपिक वाइज दिया हुआ है सारे सब्जेक्ट, तो हमें सिर्फ इतने टॉपिक्स पढ़ने की आवश्यकता है। तो चलिए एक एक सब्जेक्ट देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो पहला हम देखेंगे भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इसके कौन कौन से टॉपिक हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, जैन धर्म में महावीर की जीवनी एवं शिक्षाएं। इसके बाद हम देखेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश में हम देखेंगे सम्राट अशोक को, और गुप्त वंश। उसके बाद गुप्त वंश में हम लोग पढ़ेंगे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में सारा कुछ जानेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग राजपूत काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये सारे टॉपिक्स थे हमारे इंडियन हिस्ट्री में, जो कि 5 नंबर का पूछा जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो सेकंड है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें से कौन कौन से पूछे जाएंगे। तो इसमें पूछा जाएगा स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा जाएगा, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका भी पूछा जा सकता है, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, इसको हमको पढ़ना है, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 भी पढ़ना है, और भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेता सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये था हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी 5 नंबर का आएगा। अब थर्ड हम देखेंगे ज्योग्राफी, ये भी 5 ही नंबर का आएगा, और इसमें हमको पढ़ना है भारत एवं विश्व की भौतिक भूगोल। अब इसमें हमको पढ़ना है नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, सांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, ये पढ़ेंगे। उसके बाद आ गया हमारा इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब इसमें हम के लोग क्या पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, ठीक है। इसके अंतर्गत योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, पब्लिक एवं प्राइवेट सेक्टर यानी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र पढ़ेंगे, हरित क्रांति से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा बैंकिंग सुधार पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था कैसी है, ये हम पढ़ेंगे। और इसके बाद वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, इसके अंतर्गत कृषि सुधार, ढांचागत सुधार यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार तथा GST, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी कि पॉलिटी, ठीक है। तो पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान, इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, न्यायिक ढांचा जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदि। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जिला प्रशासन, उसके बाद स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, ये हम पढ़ेंगे पॉलिटी में, ठीक है। और ये भी हमारा 5 नंबर का पूछा जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, इसमें प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, जिसमें फिजिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बायोलॉजी के 1 और 1
बायोलॉजी के दो हो सकते हैं और केमिस्ट्री के एक हो सकते हैं, ठीक है, यानी टोटल मिला के 5 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रारंभिक अंकगणित यानी एलिमेंट्री अर्थमेटिक, ठीक है। इसमें हम लोग को कौन कौन से कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं, जैसे कि पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता यानी परसेंटेज, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल एवं घनमूल, घातांक एवं घात, और एवरेज यानी औसत। तो इतना हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें सामान्य हिंदी, ठीक है। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है, आप चाहे हिंदी के क्वेश्चंस करिए 5, चाहे इंग्लिश के क्वेश्चंस करिए, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए 1 शब्द, लिंग, शमशुद भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य और पद्य दोनों से, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हमारे हिंदी में हैं। अब इंग्लिश में देखते हैं, तो इंग्लिश में है अंग्रेजी व्याकरण है यानी इंग्लिश ग्रामर है, और एक पैसेज पूछा जाएगा इंग्लिश का, वो ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, शायद इंग्लिश हिंदी दोनों करना है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि है रीजनिंग, लॉजिक एंड रीजनिंग। तो इसमें हमें वृहत एवं लघु पढ़ना है, क्रम एवं रैंकिंग पढ़ना है, संबंध पढ़ना है यानी ब्लड रिलेशन, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग में संख्या और अक्षर से रिलेटेड, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। अब उसके बाद ये भी हमारा 5वीं नंबर का आएगा रीजनिंग। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट 3 सेक्शंस हैं, इसको मैं आपको पढ़ने चल रहा हूँ, 3-4 सेक्शंस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है करेंट अफेयर्स, भारतीय एवं वैश्विक, ठीक है। ये टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे, एक एक नंबर के, यानी 10 नंबर के हैं क्वेश्चंस, करेंट अफेयर्स से ही पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा कवर करेगा पेट के एग्ज़ाम का। उसके बाद पूछा जाएगा स्टैटिक जीके यानी जनरल अवेयरनेस। अब इसमें हमसे पूछा जाएगा भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति यानी इंडियन आर्ट एंड कल्चर, भारत एवं विश्व के खेल यानी कि इसमें खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन चीज़ किस खेल से संबंधित है, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। भारतीय अनुसंधान संगठन, देखिए इस बार चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, तो हो सकता है इसरो के बारे में पूछा जाए, या फिर उसके कॉम्पिटिटर में कौन कौन सी कंपनियाँ हैं इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आप लोग पढ़िएगा ज़रूर। उसके बाद प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, ये हिस्ट्री से भी पूछ सकते हैं और वैसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे पुरस्कार एवं विजेता, पूछते हैं ना कि ये पुरस्कार किसको मिला, व्यास पुरस्कार किसको मिला, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसको मिला, इसी तरह के कई सारे पुरस्कार हैं वो पूछे जाते हैं कि किसको किसको मिले। उसके बाद है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, ये भी स्टैटिक जीके का एक हिस्सा है, ठीक है। अब देखेंगे अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। देखिए 2 गद्यांश आते हैं 5-5 नंबर के हिंदी में, तो वो 10 नंबर के होते हैं, उनको हमें करना होता है, ठीक है। अब है बारी ग्राफ की, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। 2 ग्राफ आते हैं, 5-5 क्वेश्चन होते हैं और 5 एक एक नंबर के होते हैं, ठीक है, यानी टोटल 10 नंबर। और उसके बाद तालिका है, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसमें भी 2 तालिकाएँ होती हैं और दोनों में 5-5 क्वेश्चन होते हैं एक एक नंबर के, यानी टोटल 10 नंबर, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल पूरा सिलेबस, आई थिंक आपको समझ में आया हो। आप लोग पूरा सिलेबस नोट कर लीजिए अपने स्टडी टेबल के पास या फिर लाइब्रेरी में जहाँ भी आप पढ़ते हों, चिपका लीजिए ताकि आपको एक एक टॉपिक अच्छे से कवर कर सकें आप, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी UP SSC PET की सारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं,
सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पॉलिटी और उसका पहला वीडियो संविधान की विशेषताएं मिलेगा आपको आज शाम को, ठीक है? तो आप लोग रेडी रहिएगा, चैनल पे अपडेटेड रहिएगा और देखिएगा वीडियो, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते जरूर रहिए। जय हिंद, जय भारत।